subscribe to my channel and also press this bell icon so you can get latest video notifications. And this is absolutely free. Assalamu alaikum students, hamara aaj ka topic hai the vertebrate brain. तो ब्रेन जैसा कि आप जानते हैं कि मेन सेंट्रल यूनिट है ह्यूमन नर्वस सिस्टम का और वर्टिब्रेट नर्वस सिस्टम का. तो ब्रेन जो है, अगर हम इसकी एनाटॉमी देखें यानी इसके स्ट्रक्चर को देखें, तो जो वर्टिब्रेट का ब्रेन है वो स्पाइनल कॉर्ड के एंटीरियर एंड के ऊपर डेवलप होता है और ये एक एक्सपेंडेड पार्ट है. जैसा कि हमने लास्ट लेक्चर में बात की कि स्पाइनल कॉर्ड एक नैरो पार्ट होता है, लेकिन जो ब्रेन है वो एक एक्सटेंडेड पार्ट है. और एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट के दौरान जो ब्रेन है उसमें फर्दर रीजनल एक्सपेंशन होती है. ये भी एक उसी हॉलो ट्यूब का हिस्सा है जो कि मैंने आपको बताया कि वर्टिब्रेट नर्वस सिस्टम एक डॉर्सल हॉलो ट्यूब से बना होता है. तो ये उस ट्यूब की एक रीजनल एक्सपेंशन है और इसके अंदर फर्दर आप तीन क्लियर जोन्स को या क्लियर रीजन्स को देख सकते हैं. जब ये एम्ब्रियोनिक स्टेजेस पर डेवलप होता है तो इसकी मेन थ्री पार्ट्स डेवलप होते हैं. हाइंड ब्रेन जो कि स्पाइनल कॉर्ड से ऊपर का हिस्सा है और स्पाइनल कॉर्ड से अटैच्ड होता है. देन देयर इज़ मिड ब्रेन विच इज़ इन बिटवीन द फोर ब्रेन एंड हाइंड ब्रेन, एंड देन देयर इज़ फोर ब्रेन जो इसका सबसे अगला हिस्सा होता है. और जो स्पाइनल कॉर्ड के सेंटर में एक कैनाल चल रही थी, जो हमने लास्ट लेक्चर में भी बात की कि एक खाली जगह होती है जो कि सेरिब्रो स्पाइनल फ्लूइड से भरी होती है, उसको हम स्पाइनल कॉर्ड कैनाल कहते हैं. तो ये कैनाल एक्सटेंड हो गई है इनटू चैम्बर्स, क्योंकि स्पाइनल कॉर्ड एक नैरो पार्ट था और ब्रेन एक एक्सटेंडेड पार्ट है, तो उसके अंदर ये चैम्बर्स में कन्वर्ट हो गई. दीज चैम्बर्स आर कॉल्ड वेंट्रिकल्स नाउ, और इन वेंट्रिकल्स के अंदर भी सेरिब्रो स्पाइनल फ्लूइड भरा होता है. अब आप इसको देखें, लुक एट दिस फिगर, और इसमें आपको क्लियर नज़र आ रहा है कि एक फोर ब्रेन जो है वो सबसे अगला हिस्सा है. यहाँ आप इसको देख सकते हैं और इसकी जो एनाटॉमी है, जो जिस तरह एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट के दौरान ये बनता है, वो यहाँ पर दिखाया गया. देन मिड ब्रेन, मिड ब्रेन एक छोटा पार्ट होता है एज़ कम्पेयर टू फोर ब्रेन एंड हाइंड ब्रेन, और ये इसका आखिरी हिस्सा है हाइंड ब्रेन, जो कि फर्दर स्पाइनल कॉर्ड के एंटीरियर एंड के साथ जुड़ा होता है. ये स्पाइनल कॉर्ड है और ये इन्होंने स्पाइनल नर्व्स को शो किया है. तो ये ब्रेन के मेन तीन एम्ब्रियोनिक पार्ट्स होते हैं. अब हम देखते हैं कि हाइंड ब्रेन के कौन कौन से पार्ट्स होते हैं. हाइंड ब्रेन से हम स्टार्ट करते हैं. तो हाइंड ब्रेन जो है वो स्पाइनल कॉर्ड की एक कंटिन्यूएशन के तौर पर सामने आता है, और इसके तीन मेन पार्ट्स हैं जो आपने पहले एफएससी में भी पढ़े. दीज आर मेड्यूला ओब्लोंगेटा, सेरिबेलम एंड पॉन्स. जो मेड्यूला ओब्लोंगेटा है वो स्पाइनल कॉर्ड के साथ जुड़ा होता है और ये एक एनलार्जमेंट है जहाँ पे स्पाइनल कॉर्ड ब्रेन में एंटर होता है. यानी स्पाइनल कॉर्ड और ब्रेन की जो एंटेगलमेंट है, जहाँ से वो जुड़े होते हैं, उस जगह के ऊपर एक एनलार्ज या स्वॉलन पोर्शन के तौर पे जो पार्ट हमें नज़र आता है वो मेड्यूला ओब्लोंगेटा है, और ये बॉडी के सारे रिफ्लेक्स सेंटर्स को कंट्रोल करता है जो आपके कॉन्शियस कंट्रोल में नहीं होते. फॉर एग्ज़ाम्पल ब्रीदिंग, स्वेलविंग, कार्डियोवेस्कुलर फंक्शंस और गैस्ट्रिक सिक्रीशंस. तो मेड्यूला ओब्लोंगेटा जितने भी जॉड वर्टिब्रेट्स हैं, यानी ऐसे वर्टिब्रेट्स जिनमें जॉ प्रेजेंट है, उनके अंदर मेड्यूला ओब्लोंगेटा ज़्यादा वेल डेवलप्ड है, इसलिए कि ये उनके विसरल फंक्शंस को कंट्रोल करने की एबिलिटी को शो कर रहा है. एंड इट इज़ आल्सो एक्टिंग एज अ स्क्रीन, जो कि ब्रेन से जाने वाली और स्पाइनल कॉर्ड से आने वाली जो भी इंफॉर्मेशन है, जो भी इंफॉर्मेशन ब्रेन में एंटर होती है या उसको छोड़कर जाती है, उसको ये स्क्रीन करता है. उसको देखता है कि कौन सी इंफॉर्मेशन को आगे भेजा जाना है, किसको नहीं भेजना. देन द सेरिबेलम, सेरिबेलम मेड्यूला ओब्लोंगेटा की एक आउट ग्रोथ के तौर पर सामने आता है. ये लिम मूवमेंट की साथ जितनी भी मोटर एक्टिविटीज़ रिलेटेड हैं, यानी हमारी टांगों और बाजुओं के चलने फिरने में, उनके मूव करने में जो एक्टिविटीज़ इन्वॉल्व हैं, उनको कंट्रोल करता है. ये पॉस्चर को भी मेंटेन करता है, आप एक खड़े रहने को, चलने फिरने को, लेटने को. एंड देन किसी भी डायरेक्शन में जो स्पेशल ओरिएंटेशन है, जो आपकी डायरेक्शन है इन रिस्पेक्ट टू ग्रेविटी और स्पेसिफिक डायरेक्शन, तो उसको भी ये कंट्रोल करता है. तो सेरिबेलम कार्टिलेजिनस फिशेज़ में दो लोब्स पर मुश्तमिल होता है. कार्टिलेजिनस फिशेज़ जिस ग्रुप से बिलोंग करती हैं उसका नाम कॉन्ड्रिक्थीज है, और इसके दो लोब्स होते हैं उनमें, एक एंटीरियर लोब और एक पोस्टीरियर लोब. जबकि बोनी फिशेज, जिनको हम जो क्लास टीलियोस्टियाई से बिलोंग करती हैं, जिनको हम कॉमनली टीलियोस्ट कहते हैं, इनका सेरिबेलम
लार्ज होता है, इसलिए कि उन्हें स्विमिंग करनी है तो जितनी उनकी स्विमिंग की एक्टिविटी एनहांस होगी उतना सेरिबेलम भी बड़ा हो जाएगा बिकॉज इट इज़ इन्वॉल्व विद मोटर एक्टिविटीज़। और जो इनएक्टिव फिशेज होती हैं, जो पड़ी रहती हैं एक जगह पर, जो मूव नहीं करती, स्विमर नहीं होती, उनमें ये बहुत ही स्मॉल होता है एज़ कम्पेयर टू एक्टिव स्विमर्स। तो एम्फीबियंस जो हैं, अगर हम एम्फीबियंस को देखें, क्योंकि हमने इसमें सारे वर्टिब्रेट ग्रुप्स को देखना है, तो एम्फीबियंस में एक रूडिमेंट्री सेरिबेलम होता है, यानी बहुत छोटा सा, इसलिए कि उनके लोकोमोटरी पैटर्न इतने कम्प्लेक्स नहीं हैं, दे आर सिंपलर एज़ कम्पेयर टू अदर वर्टिब्रेट्स। फिर टेट्रापॉड्स की अगर हम बात करें, जो चार टांगों पर चलने वाले हैं, तो सेरिबेलम लेटरली एक्सपेंडेड है, यानी साइडों पे एक्सपेंशन उसकी निकल आई है, और ये जो साइडें हैं ये लोब्स की शक्ल अख्तियार कर गई, दीज आर कॉल्ड द लेटरल लोब्स। ये उन्हें मसल्स का या बाजुओं और टांगों के मसल्स का ख़ास तौर पे एक लेटरल कंट्रोल प्रोवाइड करती हैं। तो सेरिबेलम बर्ड्स और मैमल्स में बहुत लार्जर है, क्योंकि उनके जो लोकोमोटरी पैटर्न्स होते हैं वो कम्प्लेक्स होते हैं, और इनके अंदर दोनों जो ग्रुप्स हैं, इनकी फाइलोजनी बीइंग टेरिस्ट्रियल वर्टिब्रेट्स और इनकी जो लिम डेवलपमेंट की हिस्ट्री है, बोथ ऑफ देम आर कनेक्टेड, इनकी एवोल्यूशनरी हिस्ट्री जो है वो कनेक्टेड है, इसलिए इन दोनों में बहुत ज़्यादा सिमिलैरिटीज़ देखी गई हैं। अब अगर हम इनका कंपैरिजन देखें तो आप इस फिगर में देख सकते हैं, आप देखें कि फ्रॉग में ये एक जो सेरिबेलम है, यहाँ आप देख सकते हैं बहुत ही छोटा सा एक रूडिमेंट्री कोन लाइक लोब है, देखें एक तिकोन सा ये। उसके बाद अगर आप एक एलिगेटर में इसका कंपैरिजन करें, विच इज़ बिलोंगिंग टू रेप्टीलिया, तो वो बड़ा है, और फिर आप एक चिकन में और एक कैट में देखें कि सेरिबेलम कितना वेल डेवलप्ड है और इसके कितने मल्टीपल लोब्स बन गए हुए हैं और ये साइज़ में कितना बड़ा हो गया है। ये जो साइज़ का बड़ा होना है, ये फर्दर इनके फंक्शंस को एनहांस करने में, इनके लोकोमोटरी कंट्रोल को एनहांस करने में इनकी हेल्प करता है। देन द सेकेंड पार्ट इज़ पॉन्स, थर्ड पार्ट इज़ पॉन्स। जो पॉन्स है ये एक ब्रिज के तौर पर काम करता है, ये एक ब्रिज होता है जो कि ट्रांसवर्स नर्व ट्रैक से बना होता है, और ये ब्रिज कहाँ है, फोर ब्रेन और सेरिब्रम का जो पार्ट है, सेरिब्रम जो फोर ब्रेन का पार्ट है उसकी, उससे निकलकर ये सेरिबेलम की दोनों साइडों से जुड़ा होता है, और इसके अंदर ऐसे ट्रैक्स होते हैं जो फोर ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड के दरमियान सारे वर्टिब्रेट्स में इंफॉर्मेशन को मूव करने में या इन दोनों को कनेक्ट करने में वर्टिब्रेट्स की हेल्प करते हैं। तो ये जो मिड ब्रेन का, सॉरी पॉन्स है, ये एक ऐसा काम करता है कि जो एक ब्रिज का काम होता है बिटवीन द फोर ब्रेन एंड द हाइंड ब्रेन। उसके बाद हम मिड ब्रेन को देखते हैं, तो मिड ब्रेन जो है ये ओरिजिनली एक सेंटर के तौर पर सामने आया जो कि रिफ्लेक्स रिस्पॉन्सेज को कंट्रोल करता था, बट रिफ्लेक्स रिस्पॉन्सेज विद विजुअल इनपुट। तो क्योंकि जब हम कोई चीज़ देखते हैं, चाहे हम उसको रिफ्लेक्स रिस्पॉन्स दें या जो भी रिस्पॉन्स दें, तो वो विजुअल इनपुट डायरेक्टली हमारे ब्रेन में जाता है और ब्रेन उसको एक्सेस करता है या उसको परसीव करता है। तो जब ब्रेन इसमें इन्वॉल्व है तो एक इसके अंदर एक एडिड फंक्शन भी, उसके अंदर फंक्शन आहिस्ता आहिस्ता एड अप हो गया, यानी उसने न सिर्फ के विजुअल इनपुट के रिफ्लेक्स रिस्पॉन्सेज को कंट्रोल करना शुरू कर दिया, बल्कि टच और हेयरिंग के इनपुट भी उसमें शामिल हो गए। लेकिन इस एडिशनल काम के शुरू होने के बावजूद इसके साइज़ में चेंज नहीं आया, साइज़ इसका वही रहा है, साइज़ में कोई चेंज नहीं आया। तो जो मिड ब्रेन का रूफ होता है उसको हम ऑप्टिक टेक्टम कहते हैं। ऑप्टिक टेक्टम एक स्पेसिफिक थिकेंड रीजन है जो कि ग्रे मैटर से बना होता है, और क्योंकि ये मेनली विजुअल सिग्नल्स के साथ इन्वॉल्व है इसलिए हम इसको ऑप्टिक टेक्टम कहते हैं। एज यू नो कि ऑप्टिक हम वर्ड वहीं पर यूज़ करते हैं जहाँ विजुअल चीज़ें इन्वॉल्व होती हैं। तो ये इसका मिड ब्रेन का मेन फंक्शन है कि ये रिफ्लेक्स रिस्पॉन्सेज को कंट्रोल करता है प्राइमरीली विद विजुअल इनपुट, बट इसके अंदर जो चीज़ें सेकेंडरीली एड अप हो गई वो टच और हेयरिंग के रिस्पॉन्सेज भी हैं। देन देयर इज़ द फोर ब्रेन। तो जो फोर ब्रेन है वो सबसे अगला पार्ट होता है, और वर्टिब्रेट एवोल्यूशन के दौरान जो सबसे ज़्यादा चेंजेस आई हैं वो फोर ब्रेन के उसमें आई, फोर ब्रेन के स्ट्रक्चर में आई, उसके साइज़ में आई। तो जो फोर ब्रेन है इसके दो मेन पार्ट्स हैं। जब ये डेवलप होता है ड्यूरिंग एम्ब्रियोनिक स्टेजेस तो ये दो पार्ट्स में डिवाइडेड होता है, द डायनकेफेलॉन एंड टेलनकेफेलॉन। जो डायनकेफेलॉन है वो मिड ब्रेन के बिल्कुल आगे होता है, और इसके अंदर पाइनियल ग्लैंड, पिचुटरी ग्लैंड, हाइपोथैलेमस और थैलेमस होते हैं। जो पिचुटरी ग्लैंड है उसके बारे में आपको पता है कि वो एंडोक्राइन ग्लैंड्स का एक मेन
ग्लैंड है एंड इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड द मास्टर ग्लैंड, क्योंकि ये बहुत से ग्लैंड्स के फंक्शंस को कंट्रोल भी करता है। पाइनियल ग्लैंड के बारे में भी आपने सेकेंड ईयर में भी पढ़ा कि पाइनियल ग्लैंड जो डायर्नल रिदम्स होते हैं, जो डेली रिदम्स होते हैं, उनको कंट्रोल करता है। नाइट और डे की साथ जो एक्टिविटीज़ हमारी बॉडी में या चेंजेस आती हैं उनको कंट्रोल करता है। हाइपोथैलेमस और थैलेमस वो मेन पार्ट्स हैं जो कि डायनकेफेलॉन को बनाते हैं, और जो थैलेमस है वो ज़रा ऊपर होता है, और हाइपो जैसे उसके नाम से लग रहा है बिलो द थैलेमस, हाइपोथैलेमस थैलेमस से नीचे होता है। थैलेमस सेंसरी इन्फॉर्मेशन को हायर ब्रेन सेंटर्स तक भेजने के लिए होता है, यानी जो इन्फॉर्मेशन मिड ब्रेन से आती है उसको ये आगे फर्दर ट्रांसफ़र करेगा टूवर्ड्स द हायर ब्रेन सेंटर्स, यानी जो टीलनकेफेलॉन से बने हुए सेंटर्स हैं। तो हाइपोथैलेमस बिलो द थैलेमस है, और इसके बारे में आपने पहले भी पढ़ा था कि ये बॉडी के टेम्परेचर को कंट्रोल करता है, इसलिए हम इसको बॉडी का थर्मोस्टैट भी कहते हैं। ये इसके अलावा बॉडी टेम्परेचर को रेगुलेट करने के अलावा सेक्सुअल ड्राइव को, कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म को, हंगर और थर्स्ट को कंट्रोल करता है। जो पाइनियल ग्लैंड है वो अभी आपको बताया कि बॉडी रिदम्स को कंट्रोल करता है, और पिट्यूटरी एक मेजर एंडोक्राइन ग्लैंड है। अब जो फिशेज़ और एम्फीबियंस हैं उनमें जो डायनकेफेलॉन है ये सेंसरी इन्फॉर्मेशन को प्रोसेस करता है। रेप्टाइल्स और बर्ड्स में जो सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट है ब्रेन का वो कॉर्पस ट्राइएटम है। ये बर्ड्स में और रेप्टाइल्स में ज़्यादा वेल डेवलप्ड होता है, और ये कम्प्लेक्स बिहेवियरल पैटर्न्स को कंट्रोल करता है। क्या नाम है इसका? कॉर्पस ट्राइएटम। ये एक बंडल ऑफ नर्व्स है, या ये एक नर्व ट्रैक्ट्स की कलेक्शन है जो कि इनको कंट्रोल करने का काम करता है। तो जब डायनकेफेलॉन स्लोली एक्सपेंड हुआ, आगे की तरफ बढ़ा ड्यूरिंग एवोल्यूशन, और उसके अंदर बहुत से सेंसरी मेन सेंसरी फंक्शंस कंट्रोल होना शुरू हो गए, तो ये पार्ट टीलनकेफेलॉन के तौर पर सामने आया, जैसे आप इस फिगर में देख रहे हैं। यहाँ पर डायनकेफेलॉन है, ये लेस एक्सपेंडेड है जो कि थैलेमस, हाइपोथैलेमस, पिट्यूटरी और पाइनियल ग्लैंड पर मुश्तमिल होता है। उसके बाद जो टीलनकेफेलॉन है वो ज़्यादा डेवलप्ड है, और इसके जो मेन पार्ट्स हैं वो सेरिब्रम, ऑल्फैक्ट्री लोब या ऑल्फैक्ट्री बल्ब, लिम्बिक सिस्टम और कॉर्पस ट्राइएटम है। लेकिन कॉर्पस ट्राइएटम आमतौर पर दोनों के दरमियान इस जगह पर होता है। ये एक ट्रैक्ट्स का कनेक्शन वो है कलेक्शन है जो कि कंट्रोल करता है बहुत से कामों को, बहुत से मूवमेंट पैटर्न्स को और बिहेवियरल पैटर्न्स को इन केस ऑफ एम्फीबियंस, सॉरी रेप्टाइल्स एंड बर्ड्स। तो अब जो अगर हम इसकी कम्प्लेक्सिटी के लिहाज से देखें तो जो फ्रंट पार्ट है ब्रेन का वो एक्सपेंड हो गया साइज़ और कम्प्लेक्सिटी दोनों में, और कॉर्पस ट्राइएटम के बाहर की तरफ ब्रेन का सबसे बड़ा पार्ट होता है विच इज़ कॉल्ड द सेरिब्रम। ये एक लार्जर ग्रूव है जो कि राइट और लेफ्ट सेरिब्रल हेमिस्फीयर्स में डिवाइडेड होता है, यानी दरमियान से इसके दो पार्ट्स बने होते हैं। एक राइट पार्ट राइट हेमिस्फीयर कहलाता है और लेफ्ट लेफ्ट हेमिस्फीयर कहलाता है। तो ये ब्रेन का वो पार्ट है जो सेंसरी और मोटर फंक्शंस के साथ कनेक्टेड है, और ये ग्रेटली चेंज हुआ जब हम जैसे वर्टिब्रेट एवोल्यूशन हुई, और वर्टिब्रेट जितने ज़्यादा इनक्यूजिटिव हो गए उतने ही ज़्यादा, जितने वो मूवेबल हो गए या एजाइल हो गए, फास्ट मूवर बन गए, और जितना वो सोचने समझने वाले बन गए, उनके अंदर जो सेंसेस ज़्यादा डेवलप हो गई, थिंकिंग और डिसीजन मेकिंग और ये सारी चीज़ें जैसे जैसे डेवलप होती गई, तो सेरिब्रम भी ज़्यादा वेल डेवलप हो गया। इट इज़ द लार्जेस्ट पार्ट ऑफ द ब्रेन। तो ज़्यादातर जो फंक्शंस होते हैं वो ऑप्टिक टेक्टम से एक्सपेंडेड सेरिब्रल हेमिस्फीयर्स में आ गए। तो जो इंक्रीजिंग इम्पॉर्टेंस है सेरिब्रम की, उसकी वजह से बहुत से और ब्रेन रीजन्स भी अफेक्टेड हुए, ख़ासतौर पे थैलेमस और सेरिबेलम। मैमल्स में जो सेरिब्रम का आउटर मोस्ट पार्ट होता है उसको सेरिब्रल कॉर्टेक्स कहते हैं, जो आपको नज़र आता है ये यहाँ पर आप देख सकते हैं, जिसके अंदर ये आपको लाइन्स या लोब्स या लूप्स या फोल्डिंग्स नज़र आती हैं। फोल्डिंग्स जितनी बढ़ जाती हैं उतने ही किसी एनिमल की जो पावर है थिंकिंग की और डिसीजन की वो उतनी बढ़ जाती है। तो ये जो पार्ट है जो बाहर से आपको नज़र आता है जिसके ऊपर फोल्डिंग्स अपीयर हो जाती हैं, ये इसका सेरिब्रल कॉर्टेक्स कहलाता है। इसने इसकी जो ये जो कॉर्टेक्स है इसने इसकी जो कम्प्लेक्सिटी है और साइज़ है उस दोनों को बढ़ाया, और ये जो फोल्डिंग्स हैं ये सजेस्ट करती हैं कि मेमेलियन सेरिब्रम ने असल में अपनी जगह बढ़ा ली है। मेमेलियन का सेरिब्रम साइज़ में बढ़ गया है, लेकिन स्कल क्योंकि नहीं बढ़ा, स्कल उतना ही रहा है,
तो क्योंकि ब्रेन एक केस के अंदर होता है इनसाइड योर स्कल, और वो केस क्रेनियम है, उसका साइज़ उतना ही है, तो अब बोन तो बढ़ नहीं सकती, बड़ी नहीं है, उसके अंदर ब्रेन कैसे समाएगा? उसके लिए इसने अपने ऊपर फोल्डिंग्स डेवलप कर ली। तो जितनी फोल्डिंग ज़्यादा होती हैं उतना सेरिब्रम का साइज़ बड़ा होता है। तो सेरिब्रम के जो डिफरेंट पार्ट्स होते हैं उनके मुख्तलिफ फंक्शंस हैं। फॉर एग्जांपल जो सेरिब्रल कॉर्टेक्स है ये प्राइमरी सेंसरी एरियाज़ को कंट्रोल करता है और प्राइमरी मोटर एरियाज़ को कंट्रोल करता है। जो दूसरे एरियाज इसके साथ इन्वॉल्व होते हैं वो विजुअल और ऑडिटरी सिग्नल्स के साथ आते हैं फ्रॉम द एनवायरनमेंट जो ह्यूमन बॉडी परसीव करती है। और इसके अलावा जो मेन इसका यूज़ है वो रिटन और स्पोकन लैंग्वेज का यूज़ है। उसकी एबिलिटी ये जो सेरिब्रम है ये प्रोवाइड करता है किसी ह्यूमन ब्रेन को। तो जितना ये वेल डेवलप्ड होता है उतनी ही स्पीच की पावर ज़्यादा होती है, उतनी ही राइटिंग की पावर ज़्यादा होती है, उतनी आपकी वोकैबुलरी इंक्रीज़ होती है इसके साथ साथ। ठीक हो गया। आर क्रेनियल नर्व्स, तो क्रेनियल नर्व्स जैसे हमने स्पाइनल नर्व्स पढ़ा, स्पाइनल नर्व्स 31 पेयर्स होते हैं और वो हर स्पाइनल कॉर्ड में से हर वर्टिब्री में से दो दो निकलती हैं, एक राइट और एक लेफ्ट। तो क्रेनियल नर्व्स वो होती हैं जो कि ये भी पेयर्ड होती हैं और एक राइट और एक लेफ्ट साइड पर जा रही होती है। ये पेरीफ्रल नर्वस सिस्टम का ही हिस्सा हैं लेकिन ये ब्रेन से अराइज़ होती हैं, और क्योंकि ब्रेन क्रेनियम के अंदर है इसलिए हमने इनको जो नाम दिया वो क्रेनियल नर्व्स का है। तो जो रेप्टाइल्स और बर्ड्स होते हैं और मैमल्स होते हैं उनमें आमतौर पे हम ये देखते हैं कि 12 पेयर्स ऑफ क्रेनियल नर्व्स हैं। फिशेज़ और एम्फेबियंस में पहले 10 पेयर्स होते हैं लेकिन अगले दो पेयर्स नहीं होते। कुछ नर्व्स फॉर एग्ज़ाम्पल ऑप्टिक नर्व जो है उनके अंदर सिर्फ सेंसरी एग्जॉन्स होते हैं, सो दे कैन ओनली कैरी सिग्नल्स टू द ब्रेन। ये सिर्फ जो सेंसरी रिसेप्टर्स हैं उनसे ब्रेन की तरफ मैसेज लेकर जाने का काम करती हैं, तो इनको हम सेंसरी नर्व्स कहते हैं। कुछ ऐसी होती हैं जो सेंसरी और मोटर दोनों एग्जॉन से बनी होती हैं, उनको हम मिक्स्ड नर्व्स कहते हैं। फॉर एग्जांपल जो वेगस नर्व है उसमें सेंसरी एग्जॉन्स भी हैं जो कि ब्रेन में मैसेज लेकर जाते हैं, और मोटर एग्जॉन्स भी हैं जो हार्ट और उसके मसल्स तक लेकर जाते हैं, और थोरेक्स के अंदर या एब्डोमेन के अंदर जो विसरल ऑर्गन्स हैं उन तक मैसेजेस लेकर जाते हैं। और कुछ मोटर नर्व्स होती हैं जो कि सिर्फ और सिर्फ मोटर इफेक्टर्स तक जो है वो अपने मैसेज को लेकर जाती हैं। तो अभी हम देखते हैं एक टेबल के अंदर कि किस तरह से ये कौन कौन सी 12 नर्व्स हैं, 12 पेयर्स ऑफ नर्व्स हैं, और वो टेबल आपने अच्छी तरह से याद करना है, और उसके अंदर कौन कौन सी नर्व क्या क्या फंक्शन परफॉर्म करती है, दैट इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। मैंने अभी आपसे बात की टेबल 24.1 और ये मिलर एंड हार्ले के 5th एडिशन में है, तो क्योंकि आप लोग 7th एडिशन को फॉलो कर रहे हैं तो ये टेबल जो है ना आप 5th एडिशन से फ़ोटोकॉपी करवा सकते हैं। ये 12 पेयर्स ऑफ नर्व्स जो हैं हमारी क्रेनियल नर्व्स उनके बारे में है, और इसमें हर नर्व की स्पेसिफिकेशन दी गई है कि वो क्या काम करती है, वो किन एरियाज़ को इनर्वेट करती है और उसकी टाइप क्या है। तो सबसे पहले आप देखें ऑल्फैक्ट्री नर्व है। ऑल्फैक्ट्री नर्व इज़ सेंसरी इन टाइप, यानी ये सेंसरी रिसेप्टर से आने वाले मैसेज को रिसीव करती है, टूवर्ड्स द ब्रेन इसको ट्रांसमिट करती है, और ये स्मेल के लिए है। इट मींस कि ये आपके नेज़ल पार्ट्स को और आपके ब्रेन को आपस में कनेक्ट करती है। देन ऑप्टिक नर्व है जिसके बारे में अभी हमने थोड़ी देर पहले बात की है कि वो सेंसरी इन नेचर है, वो विजन का फंक्शन परफॉर्म करती है, आपकी आँखें जो कुछ देखती हैं उस मैसेज को वो ब्रेन में लेकर जाती है। उसके बाद ऑक्यूलो मोटर है। ऑक्यूलो मोटर प्राइमरीली मोटर नर्व है, और इसकी जो एरियाज़ हैं जहाँ ये इनर्वेट करती है या जिनको ये कंट्रोल करती है वो आपकी आईलिड्स हैं, आपकी आईज़ हैं, लाइट की जो एंट्री है इन टू द आई, और वो आपको पता है कि प्यूपल से होती है, तो प्यूपल की साइज़ की जो एडजस्टमेंट है उसमें ये नर्व इन्वॉल्व है, और लेंस की जो फोकसिंग है ये सारे इसके मोटर फंक्शंस होते हैं जो ये परफॉर्म करती है कि लेंस को फोकस करने में ये हेल्प करती है। और जैसा कि हमें मालूम है कि जो लेंस है एक वर्टिब्रेट आई का वो फॉरवर्ड बैकवर्ड मूवमेंट से या चेंजिंग ऑफ शेप से फोकसिंग करता है, तो दोनों में ये उसकी हेल्प करती है। देन ट्रोक्लियर इज़ द 4th नर्व। ये जो ट्रोक्लियर नर्व है ये प्राइमरीली मोटर है लेकिन ये दोनों फंक्शंस परफॉर्म करती है। एक तो पहला इसका जो फंक्शन है वो कंडीशन ऑफ मसल्स है जो सेंसरी है, यानी ये उनके हवाले से जो मैसेज है वो लेकर ब्रेन के पास जाती है, और आई मसल्स को ये मैसेज ब्रेन का देती है, ब्रेन का मैसेज आई मसल्स के पास लेकर जाती है, तो ये इसका मोटर फंक्शन है। देन नंबर 5 इज़ ट्राइजेमिनल। ये मिक्स्ड नर्व है और इसकी दो डिवीजन्स हैं, एक
ऑफ्थैल्मिक और मैक्सिलरी डिवीजन है जो कि सेंसरी फंक्शन परफॉर्म करती है, और दूसरी मैंडिब्यूलर डिवीजन है जो कि इसका जो वो भी सेंसरी फंक्शन परफॉर्म करती है। तो ये जो ऑफ्थैल्मिक डिवीजन है, पहले हम ये देखते हैं कि ट्राइजेमिनल जो है उस वो क्या क्या चीज़ों के उसके कौन कौन से एरियाज़ हैं जिनको वो कंट्रोल करती है। एक तो ये मसल्स की कंडीशन का मैसेज लेकर जाती है, देन आईज़, टीयर ग्लैंड, स्कैल्प, फोरहेड और अपर आईलिड्स, जो आई से रिलेटेड सारे फंक्शंस हैं, सेंसरी फंक्शंस, वो ऑफ्थैल्मिक डिवीजन परफॉर्म करता है, और जॉ से रिलेटेड जितने फंक्शंस हैं वो मैक्सिलरी डिवीजन परफॉर्म करता है, अपर टीथ, अपर गम, अपर लिप, पैलेट की लाइनिंग और फेस जो स्किन की स्किन है फेस की, उसका सेंसरी फंक्शन मैक्सिलरी डिवीजन परफॉर्म करता है, और मैंडिब्यूलर डिवीजन जो है वो जॉ की स्किन को, स्कैल्प को, और लोअर गम, लोअर लिप और लोअर टीथ को कंट्रोल करता है। देन एब्ड्यूसन्स है इसकी 6 नर्व, ये प्राइमरीली मोटर है और ये माउथ के फ्लोर को, जॉज को और आई के मसल्स को कंट्रोल करती है, और ये मोटर फंक्शन परफॉर्म करती है, यानी ब्रेन से मैसेज लेकर जॉ, माउथ के फ्लोर और आई मसल के पास जाती है। देन नंबर 7 इज़ फेशियल, ये भी मिक्स्ड नर्व है, और ये इसके दो जो फंक्शंस हैं वो सेंसरी हैं और एक मोटर है। कंडीशन ऑफ मसल्स सेंसरी फंक्शन है। फिर ये एंटीरियर टंग यानी आपकी ज़ुबान का जो अगला हिस्सा है वहाँ पर मौजूद टेस्ट रिसेप्टर्स का मैसेज लेकर जाती है ब्रेन के पास, ये इसका सेंसरी फंक्शन है। और उसके बाद जो फेशियल एक्सप्रेशंस हैं, जो आप अपना फेस एक्सप्रेशन देते हैं, गुस्सा करते हैं या खुशी का इजहार करते हैं या किसी से किसी को अच्छा एक्सप्रेशन देते हैं, स्माइल देते हैं, और आपके जो टीयर ग्लैंड्स हैं और सलाइवरी ग्लैंड्स हैं, सलाइवरी ग्लैंड्स आपको पता है सलाइवा सिक्रीट करते हैं और टीयर ग्लैंड्स आपके टीयर प्रोडक्शन करते हैं, ये इसका मोटर फंक्शन है। देन नंबर 8 इज़ वेस्टिब्यूलो कॉकलियर, इसकी दो ब्रांचेज हैं, वेस्टिब्यूलर ब्रांच और कॉकलियर ब्रांच, ये बेसिकली दोनों ईयर से रिलेटेड हैं लेकिन ये सेंसरी फंक्शन परफॉर्म करती है। वेस्टिब्यूलर ब्रांच वेस्टिब्यूल के साथ रिलेटेड है और ये इक्विलिब्रियम को एनहांस करती है, ये इक्विलिब्रियम को कंट्रोल करती है, और कॉकलियर ब्रांच हेयरिंग से रिलेटेड है, जो कॉकलिया की हेयरिंग एबिलिटी है उसको ये कंट्रोल करती है। देन नंबर 10 इज़ ग्लॉसोफेरेंजियल, ये भी एक मिक्स्ड नर्व होती है और ये क्या करती है, इसका जो सेंसरी पार्ट है वो फेरिंग्स को, टॉन्सल्स को, पोस्टीरियर टंग यानी ज़बान का पिछला हिस्सा और कैरोटिड आर्टरी को कंट्रोल करती है, यानी उनके मैसेजेस को ब्रेन के पास लेकर जाती है, और जो इसका फेरिंग्स और सलाइवरी ग्लैंड के साथ कनेक्शन है वो मोटर भी है, यानी ये फेरिंग्स को और सलाइवरी ग्लैंड्स को ऑर्डर भी देती है ब्रेन का ताकि वो अपना फंक्शन परफॉर्म कर सकें। इसके बाद जो आपके पास 10वीं नर्व है वो वेगस है, ये भी मिक्स्ड है, स्पीच एंड स्वेलविंग, हार्ट एंड विसरल ऑर्गन्स इन द थोरेक्स एंड एब्डोमेन आर कंट्रोल्ड बाय द मोटर पार्ट, यानी ये इन सारे पार्ट्स को ऑर्डर देती है कि वो बोलने के लिए, स्वेलविंग के लिए, हार्ट और विसरल ऑर्गन्स के फंक्शन के लिए ब्रेन का मैसेज लेकर जाती है, जबकि फेरिंग्स, लेरिंग्स, एसोफेगस और थोरेक्स और एब्डोमेन के विसरल ऑर्गन्स का मैसेज ब्रेन के पास भी लेकर आती है, ये इसका सेंसरी फंक्शन। देन एक्सेसरी नर्व है जो नंबर 11 है, इसके भी दो पार्ट्स हैं, ये मोटर है और इसकी दो ब्रांचेज हैं, क्रेनियल ब्रांच और स्पाइनल ब्रांच। क्रेनियल ब्रांच जो है वो क्रेनियल नर्व्स के साथ अटैच्ड होती है या क्रेनियम के साथ अटैच होती है, और जो स्पाइनल ब्रांच है वो स्पाइन के साथ या स्पाइनल कॉर्ड के साथ अटैच होती है। क्रेनियल ब्रांच सॉफ्ट पैलेट, फेरिंग्स और लेरिंग्स को कंट्रोल करती है, उन तक मैसेज लेकर जाती है, और जो नेक और बैक को मैसेज पहुंचाती है वो स्पाइनल ब्रांच है। उसके बाद हाइपोग्लॉसल है जो टोटली मोटर है और ये टंग मसल्स को कंट्रोल करती है, यानी जब आप बोलते हैं, आप अपनी ज़ुबान से किस कोई मूवमेंट करते हैं तो इस सारी मूवमेंट को कंट्रोल करने वाली आपकी हाइपोग्लॉसल नर्व होती है। तो ये टेबल आपने फोटोकॉपी ले लेनी है या आप यहाँ से भी इसकी पिक्चर डाउनलोड कर सकते हैं, तो इसको आपने कॉपी करवा लेना है और अपने पास रखना है और इसको अच्छी तरह से याद करना है।